तो हेलो गाइस, नमस्ते नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल्स के बच्चों ने 15 अगस्त में परफॉर्मेंस किया। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था, तो आइए देखते हैं उनका परफॉर्मेंस वीडियो। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इंकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, जीवन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए फर्ज भी निभाना। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है, तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत पाना, क्योंकि जल कर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा, शहीद हूं देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। जय हिंद जय भारत। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।